अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो रिश्ते के हवाले से, रिश्तों की कदर कर लीजिए, क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी को पूरा नहीं करती हैं। ये राइट बात है, ठीक है, इसकी कदर कीजिए। तो आज हमारी वीडियो जो है वो है साग का पराठा। हम बनाएंगे इस हवाले से हमारी वीडियो। तो दोस्तों, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे जो है साग वाला पराठा, उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये चाय मैं बना रही थी, मैंने सोचा चलो चाय की भी थोड़ी सी वीडियो जो है वो आपसे मैं शेयर कर दूं। तो जनाब, आपने करना क्या है, आप वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, लाजमी देखना है। और ये वीडियो मैं अकेली बनाती हूँ यार, बहुत मुश्किल होता है अकेले वीडियो बनाना। तो जनाब, ये जो है छोटे छोटे पेड़े मैंने बना के रखे हुए थे, उसके बाद साग और देसी घी वाले पराठे हम बना रहे हैं आज। तो इस तरह से आपने रोटी को बेल के एक साइड पे एक रख लेनी है छोटी, और फिर दूसरी को बेलना है, ठीक है। तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है और ये गर्म हो रहा है। और इस तरह से आपने जो है दूसरी जो है रोटी, उसको बेल लेना है, ठीक है। इस तरीके से बेल के फिर आपने इसके ऊपर जो है जनाब साग जो है उसको एक तह की तरह बराबर लगाना है। ये नहीं करना कि कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इस तरह से मैं भी हाथ की मदद से इसको कर रही हूँ पुश, ताकि ये जो है बिल्कुल एक जैसा पूरी जगह पे फिक्स आ जाए, ठीक है। इस तरह से आपने भी करना है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लें, और क्या कहते हैं इसको, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और वीडियो को शेयर लाजमी किया करें दोस्तों, सपोर्ट कीजिए मुझे। और आगे मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट भी किया है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और इस तरीके से आपने बिल्कुल ये प्रॉपर लगाना है साग, और फिर ये देसी घी जी, इस वक्त ये मेल्ट नहीं था तो सख्त ही था, कोई बात नहीं। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पीस करके ना इस तरह से पूरे फैला दिया जहाँ जहाँ पर मैंने साग लगाया है। और अभी हम इसके ऊपर जो है दूसरी रोटी जो है उसको इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। आपने भी ऐसा ही करना है। तो वैसे कहते होंगे साग तो मक्के की रोटी बहुत मशहूर है, लेकिन जनाब असी तो फिर इतने सादा पराठा ही बना रहे हैं साग वाला। तो इस तरह होते हैं जनाब, दूसरी जो रोटी है उन्होंने रखना है, तो इन चंगी तरह प्रेस करना है, चंगी तरह तकना है कि किधरों भी गैप ना रह जाए, वरना सारा साग जरा सा बाहर आ जाएगा। तवे हो चुके हैं गर्म, तो हूँ असं ऊपर रोटी पानी है जी। ये देखें जी, इस तरीके से आपने भी अपनी रोटी को जो इसके ऊपर तवे के ऊपर डालना है, डाल के फिर इसके ऊपर जी आपने थोड़ा सा घी जो है उसको लगाना है। बहुत मज़े का यम्मी पराठा है, लाजमी ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और क्या कहते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिन जिन को साग वाला पराठा पसंद है, प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में कि उनको कितना ज़्यादा साग वाला पराठा पसंद है, ओके। तो अब हम इसको जी पलटेंगे, ये देखें जी इस तरह से। तो जनाब इस तरीके से देखें, मैंने इसको पलट दिया। अब मैं इसको चिमटे की मदद से जो है हिलाऊंगी, ताकि मेरा हाथ ना जले, लेकिन मैं हाथ से भी हिला सकती हूँ, लेकिन चलो थोड़ा सा जो है ना उनका ऑयल ज़्यादा मुझे लगता है लग गया इस घी। तो इसको जी थोड़ा चिमटे की मदद से फिर पलटूंगी, तो एक जगह एक साइड से एक दफ़ा पक जाए, फिर आप दूसरी साइड से इसको पकाएँगे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके आसानी। और ये देखें जी, इतना यम्मी टेस्टी यार, सच में बहुत मज़े का पराठा। मुझे साग का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आपको भी पसंद है या नहीं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और इस तरीके से जी ये देखें, पराठा हमारा हो चुका है रेडी। और अभी जी हम जो चाय डालेंगे और चाय के साथ इसको खाएंगे, ठीक है। और जिस जिसका दिल कर रहा है तो वो, मैं क्या करूं जी, खुद बना के खा ले जिस जिसका दिल है तो खा ले आप भी। आ जाए जी, बिस्मिल्लाह, मजाक कर रही थी, वो तो दूरों दूरों तक ही तुसी खाना है। तो जनाब जी, ये पराठा हो गया डन, दना दन दन रेडी। तो अब हम जनाब जी इसको खाएंगे। ये देखें जी, रखा
और एक भाई को दिया है, एक मैं खाऊंगी, ठीक है। तो एक दूसरे भाई के लिए बनाया, चार पांच पराठे बनाए जी आज मैंने, ठीक है। तो ये जनाब जी चाय डाली है मैंने अपने लिए, ये खाने लगे हैं, यमी यमी, आपका भी दिल कर रहा होगा ना, मुझे पता है। और ये जी इतना मज़े का टेस्टी पराठा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़।